कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है, जहां आप किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे रोगियों के लिए सबसे बड़ी असमंजस होती है उनके आहार में क्या शामिल हो और क्या नहीं। नाश्ते से लेकर डिनर तक उन्हें अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए और क्या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हम हमेशा इस बीमारी से जुड़ी हर समस्या का हल लेकर आते हैं। आज भी किडनी रोगियों के लिए आहार में शामिल करने के लिए एक फायदेमंद फूड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे हुए। किडनी रोगी के नाश्ते के लिए सबसे बेहतर विकल्प है दलिया। कुछ खास फल जो है किडनी रोगी के लिए फायदेमंद, उस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। बहुत से लोग दलिये के फायदों के बारे में नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम दलिये के फायदे बताएंगे, जिन्हें जानकर आप जरूर इसे अपने आहार में शामिल करेंगे। साथ ही नाश्ते के बाद और लंच से पहले ब्रंच में किन फलों को करें शामिल, इस बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले किडनी के स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक उपचार से जुड़ी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी की बीमारी में सिर्फ लंच और डिनर में ही नहीं, बल्कि सुबह और शाम के नाश्ते में क्या खाया जाए, ये भी एक बड़ी उलझन है। फल खाना फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ फलों का सेवन हर तरह का पोषण नहीं दे सकता। इस उलझन का हल है दलिया। जी हाँ, आप दलिया खाएं, इसे अपने सुबह या शाम के नाश्ते में शामिल करें और इसके फायदों का लाभ उठाएं। दलिये को सेहत का खजाना कहना गलत नहीं होगा। आफ्टर ऑल, हेल्थ इज द रियल ट्रेजर। आमतौर पर लोग सुबह के नाश्ते में या शाम को डिनर से 2-3 घंटे पहले इसे खाते हैं। कुछ लोग भून कर खाना पसंद करते हैं, कुछ दूध में उबाल कर, कुछ लोग मीठा दलिया खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग नमकीन। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो मीठे का इस्तेमाल ना करें। चलिए बात करते हैं दलिये के फायदों के बारे में। पहला, दलिया विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें लो कैलोरी और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। इस कारण दलिया एक ऐसा आहार है जो सभी पोषक तत्वों की मात्रा को पूरा करता है। किडनी रोगियों को भी इन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में कमजोरी और थकान की शिकायत होना आम है। दलिया आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन को बैलेंस करता है। इसके अलावा दलिया शरीर के तापमान और मेटाबॉलिज्म को भी सही मात्रा में बनाए रखता है। किडनी कमजोर होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, ऐसे में ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। तीसरा, वजन बढ़ना किडनी प्रॉब्लम का मुख्य कारण है। ऐसे में मॉडर्न लाइफस्टाइल में युवाओं में वजन बढ़ना आम समस्या है। कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा वाले दलिये को सुबह नाश्ते में खाने से शरीर में पूर्ण आहार पहुंचता है। इससे आपका वजन नियंत्रित रहता है। थोड़ी सी मात्रा में दलिये का सेवन करने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, यानी स्वाद भी और फायदा भी। डायबिटीज भी किडनी प्रॉब्लम का अहम कारण है। दलिया इस समस्या में भी आपके लिए लाभकारी आहार है। दलिया और साबुत अनाज में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। मैग्नीशियम लगभग 300 प्रकार के एंजाइम बनाता है, खासतौर पर ऐसे एंजाइम जो इंसुलिन के बनने में मददगार हैं। ये ग्लूकोज की ज़रूरी मात्रा को भी ब्लड तक पहुंचाते हैं। रोज़ाना दलिये का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। अगला, आप ये जानते होंगे, किडनी की बीमारी में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दलिया खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम का खजाना होने के कारण दलिये का नियमित सेवन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दलिये का नियमित सेवन करने वालों की उम्र दराज होने पर भी जोड़ों के दर्द की शिकायत नहीं होती। इसके अलावा दलिया खाने से पित्त की थैली में पथरी की समस्या भी दूर होती है। 6th, बीमार शरीर में कमजोरी आना लाजमी है और दिन भर आलस आना भी आम है। दलिये का सेवन करने वाले व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऐसा दलिये में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। प्रतिदिन 1 कप दलिया खाकर शरीर में विटामिन B1, B2, मिनरल्स, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि की पूर्ति की जा सकती है। इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बाहर निकालकर कई बीमारियों से बचाते हैं। दलिये का एक और अहम फायदा ये भी है कि दलिये में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही फाइबर पाए जाते हैं। शरीर में उच्च मात्रा में फाइबर होने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसे हृदय रोग होने की संभावना न के बराबर रहती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल स्वस्थ तो किडनी स्वस्थ। इन दोनों ही ऑर्गन्स का स्वास्थ्य आपस में इंटरलिंक्ड होता है। कुछ शोध के हिसाब से ये साफ हो चुका है कि फाइबर युक्त अनाज यानी दलिये से कई तरह के कैंसर से निजात पाई जा सकती है। तो ये हैं दलिये के अनोखे फायदे, जो आप शायद ही पहले से जानते हों। रही बात इसके सेवन की, तो दलिया बनाना काफ़ी आसान है। इसे दूध या फलों के साथ बनाया जा सकता है। आप मीठा या नमकीन दलिया भी बना सकते हैं।
दूध का दलिया सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए पहले डाइटिशियन से संपर्क करें। नाश्ते में दलिये का सेवन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इसे पकाने से इसके पोषक तत्वों में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। दिन में एक बार इसका सेवन आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा इसका सेवन ना करें। अपने डाइटिशियन से एडवाइस लेकर ही अपने आहार में कोई बदलाव करें। रही बात ब्रंच की, तो आप सेब, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, पपीता जैसे फलों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर खा सकते हैं। ये सभी फल आपके लिए फायदेमंद हैं। हम मानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सकें। तो अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। कर्मा आयुर्वेदा आज भारत का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है, जहां विश्व भर से किडनी रोगी आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आइए ऐसे ही किडनी रोगी की जुबानी सुनते हैं आयुर्वेदिक इलाज से होने वाले फायदों के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है पेशेंट का? अतुल कुमार सिंह। कौन है आपके? जब आए थे तो अतुल को उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही, क्या बताया था डॉक्टर ने? वहाँ दिखाया तो उन्होंने बोला की किडनी सूख रही है दोनों आपकी। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, कोई साइज में वो सही था, नॉर्मल था। फिर हमने यहाँ दिखाया, वहाँ दिखाया ही नहीं दोबारा डॉक्टर को, तो अभी तो ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इनफैक्ट क्रिएटिनिन जो है रिड्यूस हुआ। अभी आप देखेंगे इनका क्रिएटिनिन जो था वो 8.26 था, फिर एक और मैंने अब लेटेस्ट टेस्ट कराया, क्रिएटिनिन 5.5 हो चुका है। फैजाबाद से ही टेस्ट हुआ है, यूरिया 99.2 हो चुका है। काफी अच्छा रिजल्ट आया है इनको, फिजिकली भी पहले से बेटर फील कर रहे हैं। जो क्रिएटिनिन है क्योंकि काफी रिड्यूस हुआ है, 8 से 5, यूरिया वगैरह भी रिड्यूस है और अच्छे से इन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी। एंड पेशेंट इज अभी डायलिसिस के प्रोटोकॉल से तो ये बाहर आ चुके हैं, तो ये है। और पहले से क्रिएटिनिन जो था वो 8, 9 से 5 के रेंज में आया है और ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 महीने के अंदर अंतराल पे हुआ है स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कैसे आयुर्वेदिक औषधियों और योग की क्षमता को आज पूरा विश्व कबूल कर रहा है। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो आज ही संपर्क करें कर्मा आयुर्वेदा में। हमारा पता और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमारे सभी वीडियोस के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर से निकलते समय मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।